नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। ये मेरा रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ YouTube चैनल है जिसके ऊपर अभी आपको मात्र 41 सब्सक्राइबर ही मिलेंगे। तो अभी मैंने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है और इस चैनल के ऊपर मेरी टोटली हेल्प रहती है कि हम किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल कर पाएँ, उनको सही डायरेक्शन दे पाएँ मार्केट की, और इस उनको सही स्टॉक्स की रिकमेंडेशन कर पाएँ। और स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस यहाँ पर आपको लास्ट 3 वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, किस तरीके से हम स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस करते हैं और किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। तो आप ये 3 वीडियोस को आप देख सकते हो, लास्ट के जो मैंने पोस्ट किए हैं, और इसके पीछे के वीडियोस आपको मिलेंगे कि जो भी मैं निफ्टी व्यू डालता हूँ और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद निफ्टी व्यू को यहाँ पर पोस्ट करता हूँ वीकली और पर डे बेसिस के ऊपर, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे निफ्टी व्यू 90% से ज़्यादा बिल्कुल करेक्ट रहे हैं और बिल्कुल मार्केट ने उन्हीं टेक्निकल्स के हिसाब से चाल चली है जिस हिसाब से हमने अपने निफ्टी व्यू में एनालिसिस किया था। तो आज हम अपने निफ्टी व्यू की वीडियो के अंदर अपकमिंग वीक के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, हम उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमको जाना होगा अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है मेरा investing.com के ऊपर, और यहाँ पर वन डे की सेटिंग मैंने लगाया हुआ है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 3 ट्रेंड लाइन खींची हुई हैं। तो 3 ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींची हुई हैं और आपको अभी करंट में केवल उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर फोकस करना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीनों लाइन को मैं डिस्क्राइब करूँगा, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है और किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी फ़िलहाल जिस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बात करूँगा उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी लास्ट में फ्राइडे के दिन आप ये देख सकते हो कि ये कैंडल जो बनी है ये टोटली बेयरिश कैंडल है। आपको दिख रहा होगा कि इसका विक ऊपर की तरफ जो है बहुत बड़ा है और नीचे की तरफ इसका विक बहुत छोटा है और इसका बॉडी भी बहुत छोटा है। तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर, मार्केट के अंदर इस टाइप की जो कैंडल बनती है इसको बेयरिश कैंडल बोलते हैं। अगर कोई इंसान इस कैंडल को आपको बताए कि ये बुलिश कैंडल है तो वो इंसान रॉन्ग है, दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। तो अभी ये जो लास्ट कैंडल बनी है ये बियरिश कैंडल बनी है, और ये क्यों बनी है मैं अभी आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो ये 3 ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखाई हैं इसके बारे में एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले बात करते हैं जो आपको ये नीचे ये वाली जो ट्रेंड लाइन मिल रही है देखने को, तो ये मैंने क्यों ड्रॉ किया और किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है हमारे प्राइस मूवमेंट को, ये देखने की बात है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है 23 अगस्त से लेके और टिल डेट तक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा लिया इस प्राइस ने जब नीचे गिर रहा था, फिर दोबारा से प्राइस ऊपर गया यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा से प्राइस ने सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, और अभी प्राइस दोबारा से ऊपर जा चुका है। और अभी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी ये हो चुकी है कि मार्केट अभी करेक्शन ले सकता है और मार्केट दोबारा से जब सपोर्ट लेगा तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट सपोर्ट लेगा। तो ये इसका नेचर है निफ्टी 50 का, पिछले अगस्त से लेकर अभी तक का यही नेचर है कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम दूसरी ट्रेंड लाइन की बात करते हैं जो कि आपको ये मिडिल वाली दिख रही होगी। तो अभी देख सकते हो आप कि मैंने ड्रॉ किया है, ये मीडियम टर्म का ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा जो कि मैंने 29 अक्टूबर 2018 से लेकर ड्रॉ किया है और ये अभी टिल डेट तक जो है ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने किस तरीके से खूबसूरती से इसको फॉलो किया है ट्रेंड लाइन को। मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत मार्केट नीचे करेक्शन अगर लेता है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सपोर्ट किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट किया है,
तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है और करेक्शन लेता है तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, लेकिन जब यहाँ पर उसने सपोर्ट तोड़ा तो अब जो भी ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब यही ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रही है। जो भी ये मिडिल टर्म की जो ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही ऊपर आता है इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि अभी ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर इस दौरान जो है इस सपोर्ट को तोड़ दिया था, अभी जैसे ही मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है इस ट्रेंड लाइन मिडिल वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से फोकस कीजिएगा, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास फोकस करता है आने की कोशिश करता है आने की, तुरंत मार्केट को नीचे गिराया जाता है। और ये शॉर्टर टर्म का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप देख सकते हो बहुत खूबसूरती से ये प्राइस एक्शन चल रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और ये मिडिल वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है। प्राइस को ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, प्राइस को फिर नीचे धकेला गया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर इसको नीचे रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला शॉर्टर टर्म के ऊपर। अब मार्केट दोबारा से इसी बीच वाली जो मिडिल वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जाकर मार्केट दोबारा से रेसिस्टेंस ले रहा है। मार्केट ने बियरिश कलर की आपको बियरिश जो कैंडल दे दिया है, उसका सिंपल सी बात यह है कि मार्केट ने ऊपर के रेसिस्टेंस को, जो कि यहाँ पर मीडियम टर्म के ऊपर इस रेसिस्टेंस को क्रिएट कर रखा है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर। आप देख सकते हो जैसे जैसे ये मार्केट का प्राइस जो है यहाँ पर आता है नियर टर्म के ऊपर, मीडियम टर्म के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ये मिडिल वाली, वैसे वैसे प्राइस को नीचे आ जाता है यहाँ, क्योंकि ये जो है सपोर्ट का पहले काम कर रही थी और अब जो है रेसिस्टेंस का काम कर रही है। अभी दोबारा से जो प्राइस है इसी रेसिस्टेंस लेवल के पास आस आ चुका है और मार्केट दोबारा से यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस प्राइस को दोबारा से नीचे की तरफ धकेला जाएगा और सपोर्ट जो है आपको यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर मिल सकता है दोबारा से। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि शॉर्टर टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है फिलहाल, और जो ये मीडियम टर्म का जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको मिडिल वाला बताया ये पूरा का पूरा अभी रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी फिलहाल करंट सिनेरियो ये है कि प्राइस ने इस मीडियम टर्म की ट्रेंड लाइन को टच कर लिया है और यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस दिखा दिया है अपना, जो कि कैंडल है वो भी बेयरिश बनी है, और अभी सपोर्ट मार्केट को इसी जो मीडियम जो शॉर्टर टर्म की जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, यहाँ पर आपको मार्केट का सपोर्ट मिल सकता है। अभी हम लेवल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैंने दो लाइंस को डिस्क्राइब कर दिया है, अभी हम बात करते हैं ये लॉन्गर टर्म की। ये जो लॉन्गर टर्म की जो सबसे ऊपर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आपको पता लगेगा कितनी खूबसूरती से आपको ये मार्केट चलता हुआ नज़र आएगा। अब आप देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ किया है 2016 से 17 फरवरी 2016 से मैंने ये ड्रॉ किया है, और अभी करंट डेट तक इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। और आप देख सकते हो कि इस लॉन्गर टर्म के अंदर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर प्राइस जैसे जैसे नीचे आता है तुरंत यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस को ऊपर चला जाता है निफ्टी का, फिर दोबारा से प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा से रेसिस्टेंस लिया, फिर दोबारा से प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर इसने इसके रेसिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को जब तोड़ा तो प्राइस नीचे गया। अब सेम कहानी जो यहाँ पर चल रही थी वही सेम कहानी यहाँ पर भी शुरू हो गई थी। तो फिर उसने इस लॉन्गर टर्म की जो सपोर्ट बन रहा था इसको जब तोड़ा तो यही लाइन जो है अब रेसिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, और फिर प्राइस को सपोर्ट कहाँ मिला, ये जो मिडिल वाली जो लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट मिला। तो आप देख सकते हो प्राइस को कितनी खूबसूरती से यहाँ पर चलाया गया और कितनी खूबसूरती से प्राइस जो है यहाँ पर चला निफ्टी 50 का, जो ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, जब ये प्राइस ने इस लाइन को सपोर्ट वाली लाइन को तोड़ा, इस वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया, इस वाली मिडिल वाली मीडियम टर्म के सपोर्ट को पकड़ा, और प्राइस ने फिर जैसे ही इसके ऊपर गया प्राइस यहाँ पर, तो यहाँ पर से रेसिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे खूबसूरती से नीचे गिरा। देख सकते हो आप यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला। तो ये तीन जो ट्रेंड लाइन हैं
जो ये तीन ट्रेंड लाइन आपको दिख रही हैं, ये तीनों की तीनों जाकर मिलती हैं 12,400 के आसपास, 12,380 के आसपास करंट में ये तीनों ट्रेंड लाइन लॉन्गर टर्म की, मीडियम टर्म की और शॉर्ट टर्म की जाकर मिलती हैं। तो अभी हमारे को ये समझ में आता है कि अगर प्राइस मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है तो 12,400 मतलब 12,000 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12,350 या 12,400 का जो लेवल रहेगा वो सुपर रेसिस्टेंस का काम करेगा मार्केट को, और वहाँ से ऊपर जो है मार्केट अभी फ़िलहाल मुझको जाता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले, उस रेसिस्टेंस से पहले आपको ये रेसिस्टेंस दिख रहा होगा जो करंट में आपको बेरिश कैंडल दिख रही है, ये पूरी की पूरी 12,300 के ऊपर मार्केट का रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आप पास में भी आप जाके देख सकते हो कि इस लाइन मीडियम लाइन को जैसे ही टच करता है प्राइस वापस नीचे प्राइस चला आता है, और अभी जो है 12,300 के आसपास इस रेसिस्टेंस लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन मीडियम टर्म की है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लेकर प्राइस ने बेयरिश कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी ये है कि अपकमिंग वीक के अंदर 12,300 के लेवल के आसपास जाने के बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ करेक्शन ले और ट्रेंड लाइन यहाँ पर आके प्राइस जो है आराम से आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर प्राइस आपको वापसी के अंदर टच करके सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकता है 12,350 की तरफ। लेकिन अभी जो है करेक्शन का मूड मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 11,300 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। 11,300 से लेके 350 का जो रेंज रहेगा वो एक हाई रेसिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, और उस जोन के आसपास अगर प्राइस आता है तो आपको बुलिश होने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हैवी रेसिस्टेंस मार्केट का खड़ा हुआ है, निफ्टी का खड़ा हुआ है, और वहाँ से रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद डेफिनेटली प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरेगा। अब जब नीचे की तरफ प्राइस जब गिरेगा मार्केट का, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए, ये जो मैंने ब्लैक कलर की जो दो लाइनें खींच रखी हैं, ड्रॉ कर रखी हैं, तो यहाँ पर मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है कि अगर प्राइस नीचे गिरता है तो मार्केट सपोर्ट कहाँ पर लेगा। अब देखिए, प्राइस यहाँ से बेयरिश कैंडल बनाना शुरू कर रहा है, यानी कि प्राइस जो है अब यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव हो सकता है, और अगर मार्केट बेयरिश होता है तो मार्केट का सपोर्ट आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 12,150 का, और दूसरा सपोर्ट आपको मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है 12,050 का। तो दो सपोर्ट मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 12,150 और 12,050 का सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है शॉर्ट टर्म के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर अगर मार्केट करेक्शन लेता है, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 12,400 का यहाँ पर रेसिस्टेंस, सुपर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, उससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा फिलहाल, और अगर करेक्शन लेता है तो 12,150 और 12,050 का सपोर्ट ले सकता है, वहाँ पर जाके मार्केट थम सकता है। तो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया मार्केट के अंदर क्या अपकमिंग वीक के अंदर हो सकता है, और कहां पर आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, कहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, ये भी समझाने की कोशिश पूरी की पूरी मैंने आपको कर दी है। अब मैं आपको दूसरे सेटअप की तरफ लेकर चलता हूं, जहां पर आपको ये दिखेगा कि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर खड़ी है, बहुत ज़्यादा करेक्शन लेने का वहाँ पर भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि वहाँ पर भी मार्केट आपको करेक्शन के बेसिस के ऊपर दिख रही है कि मार्केट करेक्शन ले सकती है शॉर्टर टर्म के ऊपर। तो वहाँ पर आपको मैं लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ पर निफ्टी 50 का जो चार्ट है, वन डे की सेटिंग मैंने लगाया हुआ है, और ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये एक बॉलिंजर बैंड है, और बॉलिंजर बैंड का रूल हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर टच करता है अपर बैंड को, प्राइस जो है नीचे की तरफ ढकेला जाता है, प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन लेके आ जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हो कि मार्केट प्राइस जो है निफ्टी 50 का, वो ऊपर की बिल्कुल अपर पार्ट को वहाँ पर टच करके खड़ा हुआ है, और वहाँ पर बेयरिश कैंडल भी आपको दिख गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी पूरा चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, और जो करेक्शन ले सकता है वो डेफिनेटली उसका बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, इस सेटअप के हिसाब से वहाँ पर आपको 12,050 का एक
सपोर्ट मिल सकता है, जो इसकी मीडियम टर्म की लाइन है, ये जो मिडिल लाइन है यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है 12,050 के आसपास। तो वहाँ इस दोनों पैटर्न के ऊपर, दोनों टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर करेक्शन मार्केट लेता है तो 12,050 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मार्केट के अंदर खड़ा है, और 12,150 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे से काम करेंगे अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो। अभी हम एक और सेटअप के ऊपर ध्यान चलते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं जानने की कि वहाँ पर मार्केट के इंडिकेटर्स और मार्केट टेक्निकल्स के रूप में क्या दिखा रहा है। तो अभी ये तीसरा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है वन डे के ऊपर मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और यहाँ पर मैंने पहला इंडिकेटर जो यूज़ किया है वो है आपका RSI, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और दूसरा है स्टॉकिस्टिक RSI। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ पर हमको देखते हैं कि मार्केट का ये दोनों भरोसेमंद जो इंडिकेटर है मार्केट को किस डायरेक्शन के अंदर लेकर खड़े हैं, और कहाँ पर मार्केट यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से खड़ा हुआ है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको RSI दिखा रहा है कि वो अराउंड 70 की जो हमारा ओवरसोल्ड पोजीशन होती है कि उसके अराउंड आसपास आ चुका है RSI, यानी कि इस वक्त जो RSI का कंडीशन दिख रहा है वो 67 का दिख रहा है, और RSI की जो कर्व है वो भी धीरे धीरे डाउन टूवर्ड स्लोप कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर भी RSI के हिसाब से भी मार्केट जो है करेक्शन ले सकता है इस इंडिकेटर के हिसाब से। अब आप इसके नीचे का स्टॉकिस्टिक RSI भी देख सकते हो कि ये ऑलरेडी उस जोन के अंदर आ चुका है जहां पर मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मतलब मार्केट यहां पर इस इंडिकेटर के हिसाब से भी, ये बहुत भरोसेमंद इंडिकेटर होता है स्टॉकिस्टिक RSI, इसके हिसाब से भी मार्केट जो है यहाँ पर करेक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर मार्केट में करेक्शन के चांसेस बन रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, और अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट करेक्शन लेता है तो मार्केट हमको सरप्राइज़ नहीं लेना चाहिए, हमको मार्केट में सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए अगर मार्केट करेक्शन लेता है। लेकिन मार्केट जो करेक्शन लेगा, बिल्कुल मैंने आपको बोल दिया शॉर्टर टर्म के ऊपर 12,150 और 12,050 का वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। और क्या कहते हैं, अगर वहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो वहाँ पर 12,350 से लेकर 12,400 का सुपर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोनों तरीके की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको मार्केट की राइट डायरेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिले। और हमारा ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के नाम से मैंने अभी रिसेंटली अपना YouTube चैनल चलाया है, यहाँ पर भी आप निफ्टी व्यू और रिकमेंडेशंस जो स्टॉक्स की होती है यहाँ पर आप देख सकते हो जाकर, और आप यहाँ पर भी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा व्यू मिला होगा कि मगर अगर मार्केट ऊपर गया होगा तो कैसे जाएगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो कहाँ तक जाएगा। तो आपको दोनों तरह की कंडीशन आपको अपकमिंग वीक के लिए मिल गया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है अपकमिंग वीक के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर, जहाँ पर मैं अपने दोस्तों की, अपने मेंबर्स की, ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करता हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशंस करता हूँ, और लाइव मार्केट में क्या करना चाहिए वहाँ पर मैं उनको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।